हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी पसीना पसीना काफ़ी हो चुका है क्योंकि जो हमारे दरवाजे के पास एक पेड़ है उसकी शाखाएं अभी काट दी हमने, क्योंकि बहुत वो लंबी हो चुकी थी और उस पेड़ के जस्ट ऊपर ही MSEB की लाइन जाती है, मतलब अपने जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल बोर्ड है उसकी लाइन जाती है और वो ब्रांचेस उनमें घुस रही थी। तो अगर वो ज़्यादा बढ़ती कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी डेंजर काम था तो इसलिए छाट दी। अभी काफ़ी कम लग रही है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमें वापस एक दो महीने में वापस एक बार करना पड़ेगा। तो चलो अभी चलता हूँ ऊपर, 12:30 बजे जाना है सिद्धार्थ सर के यहाँ पर, उनका कल रात को फ़ोन आया था, तो चलो चलते हैं ऊपर थोड़ी देर। सो गाइस, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद में एक बढ़िया ग्लास पानी तो बनता ही है। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा है। और इसका सबसे बढ़िया फायदा 0 कैलोरीज, परफेक्ट। सो गाइस, एक अपडेट जरूरी, आज का केटलबेल का ट्रेनिंग सेशन पोस्टपोन हो गया है क्योंकि सर ने बोला कि आज रेस्ट ले ले क्योंकि कल का जो वर्कआउट होने वाला है वो काफ़ी फाड़ू होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी खाना खाएंगे। अभी खाया मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी और ज्वार की रोटी खाई। मैं अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर जिम जाकर एक थोड़ा सा हल्का फुल्का कार्डियो कर कर आऊँ। अभी बजे है ऑलमोस्ट 1 सेकेंड ना, मैं मेरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ इसलिए कैमरा, 12:40 बजे, 2 बजे जाएंगे, 2 से 2:30 बजे तक थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे फिर वापस आएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अगर आज बॉडी मेरी फटीक हो गई तो कल वर्कआउट बिल्कुल नहीं होगा, तो हल्का फुल्का कार्डियो करेंगे वापस आ जाएंगे। तो गाइस, जिम चलने का समय हो चुका है, बैकपैक रेडी है, मैं रेडी हूँ और हमारी मोटरसाइकिल नीचे तैयार खड़ी है, तो फिर चलो चलते हैं जिम। सवारी रेडी है तो फिर चलो मैं आपको मिलता हूँ जिम पर। आज होप को मुझे मेरी फेवरेट पार्किंग मिल जाए अभी तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी एक घटना मेरे साथ अभी घटी है। अपनी फेवरेट पार्किंग मिल गई मुझे, क्या बात है यार। जब आपकी फेवरेट पार्किंग आपको मिलती है तो खुशी एक दूसरे मकाम पर पहुंच जाती है। सो गाइस, वर्कआउट हैज़ बीन डन, कुछ नहीं, 25 मिनट साइकिलिंग किया, बस उतना ही काफ़ी है क्योंकि कल जैसे मैंने आपको पहले बोला है कल बहुत ही टफ केटलबेल का सेशन होने वाला है। और अभी गई है जिम की लाइट चली गई है और पीने के लिए मेरे पास पानी बहुत कम है, तो फटाक से स्ट्रेचिंग करके घर जाना पड़ेगा, बहुत प्यास लगी है ज़्यादा, वरना स्ट्रेचिंग के दरमियान क्रैम्प्स आ सकते हैं। जो भी थोड़ा सा पानी था मेरे पास वो मैंने बचा कर रखा है, वो यूज़ करेंगे स्ट्रेचिंग के टाइम पर। चलो अभी करते हैं स्ट्रेचिंग, आज का कार्डियो अच्छा हो। तो गाइज, इवनिंग का शॉवर लेके मैं दोपहर को गया था जिम। जिम से आने के बाद में आज मैंने जिम में किया थोड़ा सा साइकिलिंग और कार्डियो किया, फिर उसके बाद में मैं जब आया तो काफ़ी पसीना पसीना हुआ था। और ये मेरा हमेशा का ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी मैं जिम से वापस आता हूँ और जितनी जल्दी मैं नहाता हूँ ना, उतना मेरी बॉडी से पसीना और आने लगता है। तो मुझे आज के दिन ये अवॉइड करना था, तो इसलिए मैंने बहुत देर बाद शॉवर लिया और इट लिटरली वर्क्ड। तो एक बात और आपसे मुझे शेयर करनी थी, वो बात ये है कि आज ही मैंने इस फिट ऋषि व्लॉग्स चैनल पर 101वां व्लॉग डाला है, मतलब 100 व्लॉग का सफ़र हमने कंप्लीट किया है। नो मैटर व्हाट, सब्सक्राइबर्स गेन कितना हुआ, अभी तो 79 है, ये भी इट्स अ गुड नंबर, 100 के नज़दीक है, जाएंगे जल्दी। पर यार, 101 व्लॉग मैंने डाले, इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर मी, 3.5 महीने के समय में, नॉट बैड। नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज़ 125। सो
चलो उसके काम पर लग जाते हैं। सो गाइस, अभी बजे ऑलमोस्ट 10:30। अभी मैं एक मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड के घर से वापस आ रहा हूँ। हुआ क्या कि मैंने उसे, वो चलते चलते जा रहा था उसके घर और मैं सामने दुकान में था, तो मैं जल्दी घर आया, मोपेड ली और मैं उसके घर जाकर उससे मिला। हम लोगों का ऐसा ही है, मैंने सोचा था चलो 10-15 मिनट मिल लेंगे फिर वापस आएंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जब भी हम 10-15 मिनट के लिए बैठते हैं, वो मीटिंग 1-1.5 घंटा लंबी हो ही जाती है। तो गाइस चलो, अभी मैं आया हूँ और अभी सोच रहा हूँ कि मैं ब्रश कर कर एक छोटी पैदल छोटी सी वॉक लेकर आऊँ, देखते हैं, सोच रहा हूँ, कंफर्म नहीं किया अब तक। सो गाइस, फाइनली डिसीजन लिया और नाइट वॉक के लिए निकल पड़ा हूँ। छोटी सी नाइट वॉक लेकर आएंगे, क्योंकि घर पर ना इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब एक्चुअली मौसम है ठंड का, जिसे हिंदी में जाड़ा भी बोलते हैं, जाड़े का मौसम है। और घर में गर्मी हो रही है, तो इसीलिए बाहर आया हूँ थोड़ा सा। यार ये जब क्लाउड्स जाएंगे ना, बहुत ही क्लाउडी वेदर। शायद मैंने आपको कैमरा एंगल चेंज कर दिखाने की कोशिश की, पर दिखा नहीं सका, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है, उतनी विजिबिलिटी है नहीं कैमरा के थ्रू। नेकेड आई को दिख रहा है, तो ये जब जाएंगे तभी ये खुल जाएगा, मतलब जब बादल खुल जाएंगे तब अपना जाड़ा वापस आएगा, जाड़ा मतलब ठंड। ओके, तो मैं एक वॉक लेकर आता हूँ, फिर करते हैं ब्लॉग का एंड। तो गाइज अभी चलते चलते मैं आ रहा था, तो मैंने एक देखा कि बहुत ही बढ़िया सी जगह मुझे मिल गई व्लॉग का एंड करने के लिए। ये जगह दूसरी नहीं है, ये है हमारे यहाँ का गणेश जी का मंदिर। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और यहीं पर व्लॉग का एंड करते हैं। तो गाइज़ चलो करता हूँ मैं अब व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप मेरा कंटेंट एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो ऑन दिस नोट, दिस इज़ योर फिट ऋषि ब्लॉग साइनिंग ऑफ फॉर द डे। और इसी वादे के साथ चलता हूँ कि कल वापस ज़रूर मिलूंगा, और जाने से पहले 4 वर्ड्स बोल कर जाऊँगा। कौन से? गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। सो बाय।